Hey guys, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to Creativity with Isma. So guys, आज हम बहुत ही खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन बनाएंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पेस्टिंग पेपर ले लेना है. आपने 2 इंचेस इसकी चौड़ाई रख लेनी है. 2 इंचेस में मैं कट कर चुकी हूँ और इसकी लंबाई मैं 21 इंचेस तक मैयर करके कट कर चुकी हूँ. आप चाहें तो अपने साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं. उसके अलावा कटवर्क के लिए मैंने ये शेप रखी है. आप कोई भी बोतल का ढक्कन या कोई भी शेप जो आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. तो उसको बिल्कुल हाफ आपने ड्रा करना है और इसको ड्रा करने के बाद सेम एज इट इज़ वहीं से कट कर लेंगे. ओके व्यूज़, तो यहाँ पर एक बात जो आपने नोट डाउन करनी है वो ये है कि पेस्टिंग पेपर को आपने हमेशा शर्ट के उल्टी साइड पे पेस्ट करना है और सीधी साइड पे आपने ये फैब्रिक यूज़ करना है. और इस फैब्रिक की चौड़ाई आपने उसी बुकरम के हिसाब से ले सकते हैं या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिएगा. मैंने ये 3 इंचेस ली है. तो हम यहाँ बैक साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल कटवर्क के किनारों पर सिलाई लगाएंगे, कटवर्क के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगेगी. स्टिचिंग करने के बाद साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे. और दरमियान से इस तरह से कट लगाना बहुत ज़रूरी है और साइडों से इस फैब्रिक को कट करके अलहदा कर लेंगे. और बैक साइड पे जो आपने फैब्रिक लगाया है उसको इस तरह से आप बिल्कुल कटवर्क को सीधा कर लेंगे. तो यहाँ पे जब आप कटवर्क्स को सीधा कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको आयरन से बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा और इसके बैक साइड का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और पीछे आप तरपाई या स्टिचिंग कर सकते हैं. यहाँ पर हमें कुछ पट्टियाँ बनानी हैं. तो यहाँ पर मैं बुकरम लूँगी सबसे पहले और इसको अरेब में कट करना है. अरेब में ही ये पट्टियाँ रेडी होंगी. इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे कॉर्नर से और 1-1 इंचेस का डिस्टेंस दे के इस तरह से कट कर लेंगे. इस तरह की आप बहुत सी पट्टियाँ कट कर लेंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड हैं. मैं क्योंकि दामन की डिज़ाइनिंग में फ्रंट साइड पर जस्ट ये पट्टियाँ यूज़ करूँगी, बैक साइड बिल्कुल सिंपल है. अब यहाँ पे इन पट्टियों को आपने जिस भी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है उसको भी अरेब में ही रखना है. तो यहाँ पर इस कपड़े को भी मैंने ऐसे ही फोल्ड किया है कॉर्नर से और इसके ऊपर इन पट्टियों को पेस्ट कर लेंगे. यहाँ पे इन पट्टियों के साइड से फैब्रिक को आपने बिल्कुल कट कर देना है. और यहाँ पर ये चीज़ आप गौर से देख लीजिएगा इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है. सबसे पहले दरमियान से फ़ोल्ड करने के बाद इसको किनारों से भी दोनों साइड से फ़ोल्ड करके एक स्टिचिंग दे लेंगे. सो इस तरह से हमारी जो पट्टियाँ हैं तैयार हो जाएंगी. आपने यहाँ पे 4 इंचेस की हर पट्टी को कट करके रख लेना है. 4 इंचेस तक सारी एक बराबर होनी चाहिए और आप इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे. यानी जो सिलाई का सिरा होगा वो नीचे की तरफ होना चाहिए. तो इस तरह से ये फोल्ड बहुत अच्छे से हो जाएगा. अगर आप इसके ऊपर आयरन कर लें तो भी बहुत बेस्ट है.
इसके ऊपर आप आयरन कर लीजिएगा या फिर वाटर शॉवर से इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त ये पट्टियाँ बिल्कुल स्टे कर जाएंगी। उसके बाद हम इसको अपने दामन में लगाएंगे। जी व्यूज़, तो ये है मेरा दामन की डिज़ाइनिंग। इसको एक बार मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद उन्हीं पट्टियों को इस तरह से मैं रख के देख रही हूँ और साथ साथ में प्रेस करके रख रही हूँ। तो आप एक ही बार में प्रेस करके साथ में इस तरह से सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद इसके किनारों पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो व्यूज़, इस तरह से पट्टियाँ कटवर्क की साइड्स पे लग के एक बहुत ही एक न्यू और यूनिक सी लुक आती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप ये डिज़ाइनिंग अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, बहुत ही डिसेंट और स्टाइलिश लगेंगी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।